क्या सच में बॉलीवुड में सिंगर बनने के लिए डायरेक्टर के साथ भी सोना पड़ता है? आखिर बॉलीवुड का सबसे ज्यादा अमीर सिंगर कौन है? और बॉलीवुड में वो कौन सा सिंगर है जो गाने के बदले पैसे नहीं बल्कि हीरोइन के साथ एक रात गुजारता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के 10 सबसे अमीर सिंगर्स के बारे में। नंबर 10, श्रेया घोषाल। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर श्रेया की। श्रेया घोषाल को आज कौन नहीं जानता। इनकी आवाज कई मूवीज की कामयाबी का कारण बनी है। इन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम अपने बचपन में सिंगिंग टैलेंट शो सारे गामापा में पार्टिसिपेट करके किया था। उसके बाद ये फेमस होती चली गई। इनके आज इंडिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं। ये एक सॉन्ग के 25 लाख रुपए चार्ज करती हैं और इनकी नेटवर्थ 185 करोड़ रुपए है। नंबर 9, गुरु रंधावा। गुरु रंधावा ने 500 रुपए में एक सॉन्ग से शुरुआत की थी अपने सिंगिंग करियर की, लेकिन इनके टैलेंट और जानदार आवाज ने इनको कामयाबी की पीक तक पहुंचा दिया है। इनके सॉन्ग्स लाहौर, हाई रेटेड गबरू और यार मेरे दो के बाद इनकी शोहरत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ और यूं ये बॉलीवुड के सबसे अमीर सिंगर्स में से एक बन गए। आज ये एक सॉन्ग के 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं और 2021 के अनुसार इनकी नेटवर्क हो चुकी है 41 करोड़ रुपए। नंबर 8, नेहा कक्कड़। दोस्तों, नेहा कक्कड़ को आज कौन नहीं जानता। इनके सॉन्ग्स काला चश्मा और चीज बड़ी ने इनको इंडिया की आइडल बना दिया है। इन्होंने इंडियन आइडल सीजन 2 में पार्टिसिपेट करके अपना सिंगिंग कैरियर जमा लिया था। आज ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक है। ये एक सॉन्ग के 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं और इनकी नेटवर्थ है 35 करोड़ रुपए। नंबर 7, बादशाह। दोस्तों, आपने बादशाह का नाम तो सुना ही होगा। ये वाकई में सिंगिंग की दुनिया के नए बादशाह हैं। इनका रियल नेम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोड़िया है और फैंस की बात की जाए तो इनके हनी सिंह से भी ज्यादा फैंस सोशल मीडिया पर हो चुके हैं। इनका सबसे ज्यादा फेमस और कामयाब सॉन्ग है गर्मी। ये एक सॉन्ग के 11 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इस समय इनकी नेटवर्थ है 32 करोड़ रुपए। नंबर 6, सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान ने 4 साल की उम्र से ही लोकल गैदरिंग में गाना गाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। इनका पहला डेब्यू 12 साल की उम्र में शस्त्र फिल्म के एक सॉन्ग से हुआ था। इनके फेमस सॉन्ग गोरी गोरी, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड और हल्का हल्का है। आज ये एक सॉन्ग के 9 लाख रुपए चार्ज करती हैं और इनकी नेटवर्थ है 100 करोड़ रुपए। नंबर 5, सोनू निगम। चलिए अब बात करते हैं सबके फेवरेट और जादुई आवाज रखने वाले सोनू निगम की। इनका शायद ही कोई सॉन्ग हो जो हिट ना हुआ हो। ये सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, नेपाली और आसमी में भी सॉन्ग गाते हैं। ये एक सॉन्ग के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इनकी नेटवर्थ है 370 करोड़ रुपए। नंबर 4, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह भी बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक है। इनके सॉन्ग्स हमेशा दिल में उतर जाते हैं। इनके फेमस सॉन्ग्स में तेरा फितूर, सनम रे, पछताओगे, तेरा यार हूं मैं, तुम ही हो और हाँ मैं गलत सबसे ऊपर है। इनका हर एल्बम फैंस को बहुत पसंद आता है। ये एक गाना गाने के पूरे 13 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इनकी इस समय नेटवर्क है 400 करोड़ रुपए। नंबर 3, मीका सिंह। दोस्तों, मीका सिंह 12 साल की उम्र से म्यूजिक सीखते और कंपोज करते आए हैं। इन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं। इनके सॉन्ग्स में एक अलग ही बात होती है, इसीलिए इनके सॉन्ग्स बहुत हिट होते हैं। ये अपने सॉन्ग्स को लिखते और कंपोज भी खुद ही करते हैं। ये एक सॉन्ग के 14 लाख रुपए चार्ज करते हैं और 2021 के अनुसार इनकी नेटवर्थ है 95 करोड़ रुपए। नंबर 2, कनिका कपूर। दोस्तों, आपने बेबी डॉल सॉन्ग तो सुना ही होगा। इस सॉन्ग की आवाज कनिका कपूर की ही है। कनिका को फेम इसी सॉन्ग से मिला था। इसके अलावा इन्होंने बीट पे बोटी, देसी लुक और अंबर सरिया जैसे हिट सॉन्ग्स गाए हैं। ये एक सॉन्ग के 7 लाख रुपए चार्ज करती हैं और इनकी नेटवर्थ है 57 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे अमीर सिंगर।